नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। कन्नौज का जिला बेसिक शिक्षा विभाग गोंडा की घटना के बाद भी नींद में है, जबकि योगी सरकार गोंडा की घटना के बाद हरकत में आ गई, लेकिन कन्नौज का बेसिक शिक्षा विभाग अभी भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। कन्नौज के गागियमु प्राथमिक विद्यालय का हाल जो तस्वीरों में कैद हुई हकीकत देख कर आप भी चौंक जाएंगे। जनपद कन्नौज के सदर खंड विकास का गागियमु प्राथमिक विद्यालय जो कि पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसका प्लास्टर गिरने से बच्चे भयभीत है, लेकिन विभाग के उच्चाधिकारी अनदेखी कर रहे। जर्जर भवन में खतरों के साए में ननिहालों का भविष्य जो कभी भी बड़ी घटना बन सकता, जिसकी चिंता जिले के जिम्मेदारों को कब होगी। विद्यालय में 127 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी 5 शिक्षकों को सौंपी गई है, जिसमें 3 सहायक अध्यापक व 2 शिक्षा मित्र तैनात है। जब इस जर्जर भवन के बारे में वहां तैनात शिक्षिका किरणलता से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने कई बार विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया कि इस भवन में शिक्षण कार्य खतरे से खाली नहीं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं। भवन का हाल यह है कि प्लास्टर छूटकर जमीन पर गिर रहा, जिससे बच्चे डरे सहमे हुए हैं। बरसात में कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। इन सब के बावजूद महकमे के जिम्मेदार सोए हुए हैं। वीओ जब इस भवन के शिलापट को देख गया तो उसमें भवन निर्माण की तिथि 1982-83 थी, जो पूरी तरह जर्जर हालत में हो चुका था, जिसमें बैठना किसी खतरे से कम नहीं, लेकिन खतरों के साए में ननिहालों की हो रही पढ़ाई, जिसकी चिंता अभिभावकों में तो दिखाई दी, साथ ही विद्यालय में तैनात शिक्षकों में भी देखने को मिली। लेकिन वही महकमे के जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बचते नजर आए, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही साबित हो रही है। जबकि इस जर्जर विद्यालय की शिकायत निजी अध्यापक किरणलता ने 2015 से लगातार लिखित रूप से विभाग से की, लेकिन जिम्मेदारों ने इसका कोई जवाब तक देना उचित नहीं समझा। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस विद्यालय के जर्जर हालत की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं, लेकिन इसी विद्यालय की जाँच 28 नवम्बर 2018 को क्रॉस चेकिंग के दौरान कर चुके, लेकिन झूठ बोलने में माहिर खंड शिक्षा अधिकारी शिव सिंह अपनी बात में ही फंसते नजर आ रहे हैं। बाइट निजी अध्यापिका किरणलता, बाइट ग्रामीण, बाइट छात्र, बाइट छात्रा रिपोर्ट, धर्मेंद्र सिंह। और तब तो आंधी आंधी आ जाए तो मसाला गिर के कर गिर पड़ता है और हल्का का डर लगता है। इस जर जर यहाँ पर पानी बैठता है और हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर पानी छत से टपकता है और हम लोगों को डर लगता है। मेरे स्कूल में छत टूटी है, मैं बैठने में ऊपर से मसाला गिरता है, छत टूटी है और पानी टपकने लगा। कहना चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बने और बच्चों को अच्छी सुरक्षा मिले। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, जब से मैं अगस्त मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 23 अगस्त 2018 में यहाँ पर मैं कंटिन्यू अप्लीकेशन दे रही हूँ, अभी तो कोई इस पर सुनवाई नहीं की गई। जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि और यहाँ छत का प्लास्टर भी टूट टूट के गिरता है। बच्चों को लेकर आए कहीं जगह नहीं है। हमारे यहाँ 2 अतिरिक्त कक्ष हैं, 1 कक्ष सुरक्षित है, वो भी बहुत छोटा है, जिसमें मुश्किल से 20-25 बच्चे बैठा सकते हैं। और 1 अतिरिक्त कक्ष में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, लेकिन वो भी जर्जर है।